पहले वायरस आया ये हाइब्रिड्स, ये तो वही बात हो गई कि पहले मुर्गी आई या अंडा। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट स्वीट टूट। ये शो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ जो कि बेस है डीसी की एक कॉमिक बुक पे जिसका भी नाम स्वीट टूट था। टोटल इसमें 8 एपिसोड है जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 39 मिनट से लेकर 53 मिनट्स के बीच में ये, और ये आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाती है। शो को प्रोड्यूस किया है रॉबर्ट डॉनी जूनियर यानी कि अपने आयरन मैन ने, यानी कि मार्वल से फुल टू छाप लेने का और फिर डीसी में इन्वेस्ट करने का। खैर बात करेंगे शो के प्लॉट की जो कि फोकस करता है ऐसे पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में, यानी कि यहाँ पर एक ऐसा डेडली वायरस है जिसका नाम है H5G9। अब इस वायरस में जो लोग इन्फेक्ट हो कि बहुत ही बुरी तरह से डेथ हो गई, लेकिन इस वायरस के साथ साथ इस दुनिया में कुछ हाइब्रिड्स बच्चे भी आए हैं। तो उनको देखकर जितने भी जो बचे हुए लोग थे, जो लोग इस वायरस से इन्फेक्ट नहीं हुए, उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इन हाइब्रिड्स बच्चों की वजह से ये डेडली वायरस आया हमारी दुनिया में। तो कहीं ना कहीं वो ह्यूमंस अब इन हाइब्रिड बच्चों से डरते हैं और वो चाहते हैं किसी भी तरह से इन हाइब्रिड बच्चों का पूरी तरह से काम तमाम कर दे। लेकिन इसी बीच में हमारे जो इस शो का मेन कैरेक्टर है गस, जो कि हाफ ह्यूमन है हाफ डियर है, उसको किसी तरह से उसके फादर फॉरेस्ट में लेकर चले जाते हैं और उसको अपने साथ कई सालों तक रखते हैं। एनिमेट ट्विस्ट अब आता है जब गस के फादर की हो जाती है डेथ, फिर उसके बाद कैसे गस एक ऐसे एडवेंचरस सफर पे निकलता है जहाँ पर आपको हंसी भी आती है और थोड़ा बहुत इमोशनल भी फील होता है। ये सब कुछ जानने के तो भाई आपको ये शो देखना पड़ेगा। खैर अब बात करें शो के कॉन्सेप्ट की, जब भी कोई कॉमिक बुक पर कोई एक लाइव एक्शन शो बनता है तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, लेकिन जब आप लोग इस शो को देखोगे तो जो की एक्सपेक्टेशन है वो 100% फुलफिल होगी। हालांकि ये शो एक लिमिटेड ऑडियंस के लिए बनाया गया, यानी कि 12 साल से लेके मेरे ख्याल से 30 साल के बीच की जो ऑडियंस है उनको ये शो बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आ जाएगा देखकर। लेकिन उससे ऊपर की जो ऑडियंस है वो कहीं ना कहीं ये शो को लेकर बोर हो सकती है। खैर उसका शो का जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत ही बढ़िया है, हर एक एपिसोड में आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी जो आपका इंटरेस्ट कंटिन्यूस बनाए रखेगी। शो में अगर कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर है गस, उस पर तो फोकस किया, उसके बारे में तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताई है, लेकिन जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं उन पर भी अच्छा खासा फोकस किया, जैसे कि डॉक्टर आदित्य सिंह, उनकी वाइफ रानी, विंडी रायनी, बियर जेपर्ड, यानी कि यहाँ पर आपको मल्टीपल कैरेक्टर्स इतने मिलेंगे जिनके बारे में इतनी सारी चीज़ें बताई कि कहीं ना कहीं आप लोग इमोशनली उनसे कनेक्ट हो जाते हो, और यही एक कनेक्शन है जो आपको मजबूर करता है इसको एंड तक देखने के लिए। उसके अलावा शो की दूसरी खास बात यह है कि भाई मेन प्लॉट के अलावा कुछ सब प्लॉट्स भी देखने को मिलेंगे जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है और उनको देखकर और भी ज़्यादा मज़ा आता है। शो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचा गया, इस वजह से हम लोग एटलीस्ट शो को लेकर कहीं से भी बोर होते नहीं है। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो हर एक सीन को बहुत ही अच्छी तरह शूट किया और विजुअली ये शो बहुत ही स्टनिंग है, BGM ऑसम है, और अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो हर एक एक्टर ने अपने हिस्से को रोल को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया, लेकिन जितने भी चाइल्ड एक्टर्स हैं उनका काम स्पेशली ये शो में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है, मज़ा आ गया। डायरेक्शन शो का बहुत ही बढ़िया लगा मुझे, क्योंकि नेगेटिविटी बस मुझे एक ही चीज़ लगी कि अगर आप लोग ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके इस शो को देखोगे तो लिटरली आप को ये वर्थ वॉच नहीं लगेगा, और जो लोग इसको स्ट्रेंजर थिंग्स से कंपेयर करेंगे तो वो बहुत बड़े चूती है। यहाँ पर मैं आपको सीधा बोल दूँ ये स्ट्रेंजर थिंग्स के लेवल का नहीं है, ये अपने तरह का एक अलग शो है जिसकी एक अलग ऑडियंस बनेगी डेफिनेटली। और जहाँ पर सीजन 1 ख़त्म हुआ वहाँ से आप लोग दावे के साथ कह सकते हो कि इसका सीजन 2 आएगा, जो कि आप लोग वेट नहीं कर पाओ, क्योंकि यार मैं अभी जस्ट इस शो को कंप्लीट किया हूँ और जो इमोशंस मेरे अंदर बह रहे हैं ना वो मैं आपको यहाँ पर बता भी नहीं सकता हूँ। खैर पेरेंटल गाइडेंस के लिए इतना ही बोलूँगा, ये ऐसी शो आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो, कुछ भी यहाँ पर एडल्ट नहीं है, बस आपको हंसने को रोने को मिलेगा और कुछ बढ़िया एक्सपीरियंस होगा। मैं शो को रेटिंग दूंगा 8.5 out of 10, डेफिनेटली इट्स अ वॉचेबल शो और नेटफ्लिक्स। बस इस वीडियो में इतना, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करो, ज़्यादा अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना। टिल देन मुझे माफ़ करो भाई, माफ़ करो, माफ़ करो, माफ़ करो।